नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो क्लाइमेट टाइप हैं उनके बारे में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा क्लास होगा वो पहले के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है ना उसका अप्लीकेशन होगा। हमने पढ़ लिया है रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हमने ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज, ट्रेड विंड्स, पोलर ईस्टरलाइज, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया है। हम इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर जो अलग अलग जगह हैं उनका क्लाइमेट किस तरह का है, वहाँ पर बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कैसा होता है, कौन से वेजिटेशन होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। सवाल कैसे आता है? सवाल पूछा जाता है आपको, एक तो सवाल दे देगा डिस्क्रिप्शन टाइप का, मतलब यूपीएससी आपको एक क्लाइमेट के बारे में बता देगा कि इस जगह पर सालों भर बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है, कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल होता है, डेली टेम्परेचर रेंज बहुत ही कम होता है। बताइए कि ये जो चारों बातें मैंने बताई हैं वो कौन से टाइप के क्लाइमेट के बारे में सही है। आपको ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना रहेगा। तो आप क्लाइमेट के बारे में पहचानेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे कि इस क्लाइमेट टाइप में ये सब बातें होती हैं, ठीक है ना। वैसे ये बात हो रही थी इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट की। तो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाएगा आपसे कि ये जो क्लाइमेट टाइप है यहाँ पर सिट्रस फ्रूट ज़्यादा होता है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाया जाता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। अब नाम से पकड़ लिया आपने कौन सा क्लाइमेट है। हम लोग इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो पूरा ज्योग्राफी का लेक्चर सीरीज आप देख रहे हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है, और सारी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अभी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब समेत। पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्रेप आईएएस करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। तो मेन जो क्लाइमेट, जो हमारे टाइप्स हैं, क्लाइमेटिक रीजन हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि टुंड्रा है, मेडिटेरेनियन है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, इन सब के बारे में, ठीक है ना। इक्वेटोरियल रीजन में कौन सा है, ट्रॉपिकल मानसून, सवाना, ग्रासलैंड वाला, स्टेपी, हॉट डिजर्ट, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट। फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आता है, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप, लॉरेशियन टाइप, टैगा, टुंड्रा, इन सब के बारे में। शुरुआत करते हैं हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट से। शुरुआत करते हैं किससे, इक्वेटर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम लोग दूर की ओर जाएंगे। ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जो साउथ ईस्ट एशिया है, ओशिएनिया है, यहाँ पर पाया जाता है। हर क्लाइमेट टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम वो देखेंगे, जैसे कि अमेजॉन बेल्ट साउथ अमेरिका में, कॉन्गो, साउथ ईस्ट एशिया, ये तीन रीजन सबसे प्रमुख हैं जहाँ पर हमको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इक्वेटर से 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस बीच में जो क्लाइमेट मिलता है उसको हम लोग इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे तो ट्रेड विंड का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ जाता है, और इस कारण से उस पर मानसून का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई होता है। हमेशा हाई क्यों होता है सर? इक्वेटर पर है, हीट सरप्लस रीजन है, हीट सरप्लस रीजन है। यहाँ पर जो एनुअल रेंज होता है वो 2 डिग्री से भी कम होता है। एनुअल रेंज का मतलब ये है, मान लो कि सर्दी में तापमान है 20 डिग्री, तो गर्मी में तापमान 22 डिग्री होगा, ठीक है ना। इतना ही वैरी करता है, 2 डिग्री से कम का भी, मतलब कम ही रहता है रेंज। हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है, मानसून टाइप क्लाइमेट है ना। हमारे भारत में क्लाइमेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में खूब गर्मी पड़ गई और ठंड में एकदम कुल्फी जम गई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है,
खास करके नॉर्दर्न इलाके में हमारे, तो हमारा जो हाईलैंड है मतलब कि जो स्थान ऊंचे जगह पर हैं वहां पर भी एनुअल रेंज टेम्परेचर का 2 डिग्री से कम ही होता है। मतलब कि तापमान में ज़्यादा वैरायटी, तापमान में ज़्यादा वेरिएशन देखने को हमें नहीं मिलता है एनुअल जो हमारा क्लाइमेट इक्वेटोरियल वाला क्लाइमेट है उसमें, समझ गए बात। अब रेनफॉल के बारे में मैंने क्या बताया था, सालों भर बारिश होती है, रोज शाम को बारिश होती है, कोई भी मंथ बिना बारिश के नहीं जाता, सालों भर बारिश होती है। मगर सबसे ज़्यादा बारिश हमको मार्च और सितंबर में देखने को मिलता है। सर ऐसा क्यों, मार्च में ही क्यों, सितंबर में ही क्यों? देखो क्योंकि ये जो जो महीना होता है वो इक्विनॉक्स का टाइम होता है, सूर्य सीधा इसके ऊपर बरस रहा होता है, ठीक है ना, जो इंसुलेशन है सीधा इसके ऊपर पड़ रहा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, वेपरेशन ज़्यादा होता है और बारिश खूब होती है। रेनफॉल यहाँ पर कन्वेक्शनल टाइप का होता है। मैंने आपको 3 तरह का रेनफॉल बताया था, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, कौन सा सर, ओरोग्राफिक पहाड़ वाला, और एक था फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक कह लो इसको, फ्रंटल रेनफॉल। देखा था ना कि जब कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट मिलते हैं तो फ्रंटोजेनेसिस फ्रंट बनता है और वहाँ पर बारिश होती है। रेनफॉल सबसे कम होता है सोल्स्टिस के समय में। जब आप उत्तर की ओर जाएंगे, जब आप इक्वेटर से उत्तर की ओर जाएंगे तो रेनफॉल पैटर्न बिगड़ने लगता है क्योंकि उस पर ट्रेड विंड का प्रभाव आने लगता है, उस पर जो मानसून विंड है उसका इन्फ्लुएंस आने लगता है और रेनफॉल पैटर्न धीरे धीरे बिगड़ने लगता है कैटेगरी रीजन का, समझ गए। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, अमेजॉन बेल्ट, कॉन्गो और साउथ ईस्ट एशिया, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। एनुअल रेंज 2 डिग्री से कम होता है, रेनफॉल कन्वेक्शनल होता है और सबसे ज़्यादा बारिश मार्च और सितंबर के महीने में होती है, ठीक है। अब आती है बात वेजिटेशन की। चूंकि यहाँ पर बारिश साल भर हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कौन से तरह का जंगल पाया जाएगा, कौन से तरह का वन पाया जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहें चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहें, एक ही बात है, उसी का दूसरा नाम है, ये इस जगह पर पाया जाता है। इसको अमेजोन में सेल्वास भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूरे साल ये फॉरेस्ट ग्रो करता है, पूरे साल ग्रो करता है, सीडिंग फ्लॉरिंग और जो पत्ते गिरता है ना उसका कोई खास मौसम नहीं होता, सालों भर पत्ते गिरते हैं, सालों भर नए पत्ते आते हैं, इसीलिए ये जंगल हमेशा हरे दिखाई देते हैं, इसी कारण से इसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्लियर बात है। यहाँ पर एक खास तरह का वनस्पति उगता है जिसको हम लोग एपीफाइट कहते हैं। एपीफाइट वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर पैरासाइट की तरह उगते हैं, वो उनसे न्यूट्रिएंट नहीं लेते, उनसे बस सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। तो सर न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा जब उसका जड़ ही मिट्टी में नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट लेता है रेनफॉल से, आसपास का जो वातावरण है, हवा है, उनसे, समझ गए। वो केवल फिजिकल सपोर्ट लेता है, जो देख रहे हैं ना आप, ये दूसरे पेड़ की मतलब दूसरे जो पेड़ का तना है ना, जो टहनी है उस पर उगा हुआ है ये, ठीक है। ये अपनी एनर्जी के लिए प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करता है, अपने हवा से मॉइस्चर ले लेता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अपना जो गुजारा है बेचारा एपिफाइट वो करता है। ये जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि कैनोपी होता है ऊपर, इमर्जेंट होता है नीचे, सब लेयर होते हैं। ये पेड़ इतना ऊंचा जाता है कि सूर्य की रोशनी नीचे ज़मीन तक कभी कभी पहुंच नहीं पाती, नीचे पूरा अंधेरा ही रहता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, हीट सरप्लस रीजन है, ध्यान सुनिएगा। ये जो पूरा इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर
इंसुलेशन ज्यादा है। अरे इंसुलेशन ही तो एनर्जी का सोर्स है ना, चूंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा पड़ रही है तो ज़्यादा लोगों को पोषक तत्व मिलेगा, जो हमारे पौधे हैं जानवर हैं उनको। इंसुलेशन ज़्यादा है चूंकि टेम्परेचर का एनुअल रेंज काफ़ी कम है, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता। चूंकि यहाँ पर ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता, तो अडेप्ट होने का, इवॉल्व होने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है हमारे पौधों को, जीव जंतुओं को। चूंकि वो लोग अडेप्ट हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है, और बाकी जो नए नए आते हैं, मतलब कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। समझ गए बात? तुम सोचो, ठंड का जब दिन आता है तो जो गांव के बड़े बूढ़े हैं चिंतित रहते हैं, ज़्यादातर डेथ ठंड के दिनों में होती है, ठीक है ना? तो अगर यही यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा ठंड ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, तो सराउंड रेट ज़्यादा होगा यहाँ पे। वही वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं पाया जाता, जीव जंतुओं को मौका मिलता है इवॉल्व होने का, डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। प्लांटेशन क्रॉप वहाँ पर खूब उगाए जाते हैं। क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप वहाँ पर खूब उगाए जाते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में रबर हो गया, वेस्टर्न अफ्रीका में कोकोवा हो गया, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना वहाँ पे। उसके अलावा जो नारियल, कोकोनट, शुगर, कॉफ़ी, तंबाकू, मसाले, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप हैं जो उगाए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। एक बात और सुनना, एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो लकड़ी होता है वो हार्डवुड होता है। क्या होता है? हार्डवुड होता है, मतलब लकड़ियाँ कड़ी होती हैं। तो सर सॉफ्टवुड कहाँ होता है? सॉफ्टवुड होता है टेम्परेट इलाकों में। कहाँ पर सर? टेम्परेट इलाकों में, जैसे कि कनाडा हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर। चूंकि वहाँ की लकड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, उनकी लम्बरिंग ज़्यादा होती है, मतलब उनसे फर्नीचर बनता है, कागज़ बनता है, अखबार का कागज़ बनता है, ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। एक बात और, हार्डवुड होता है और हमको एक जगह पर एक तरह का स्पीसी नहीं मिलता, मतलब कि अगर आप इतना बड़ा ज़मीन ले लेंगे तो उसमें हर तरह का आपको जो पेड़ है देखने को मिलेगा। चूंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एक तरह के पेड़ हमको एक स्थान पर नहीं मिलते, इसलिए वहाँ पर लुम्बरिंग उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लुम्बरिंग उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लुम्बरिंग मतलब क्या? जो पेड़ की कटाई होती है, उसका पेड़ काट करके उसको इस्तेमाल करते हैं प्लाई बनाने में, जो दूसरे चीज़ें हैं वो बनाने में, ये मेन होता है टेम्परेट रीजन में, क्योंकि वहाँ पर सॉफ्टवुड हैं। वहाँ पर सर्दियों में जो नदियाँ हैं वो जमी हुई होती हैं। कहाँ पर? टेम्परेट वाले में। टेम्परेट वाले में नदी सर्दी में जमा हुआ होता है, उस पर लोग ला करके लकड़ी रख देते हैं, गर्मी में जब नदी पिघलती है तो बह करके नीचे पहुंच जाती है जहां पर उसको ले जाना होता है, ठीक है? ये सुविधा इक्वेटोरियल वाले रीजन में नहीं मिलती। क्यों सर? क्योंकि लकड़ी हार्डवुड है, भारी है, पानी में तैर नहीं पाता। एक बात और, ये जंगल काफ़ी घने हैं, यहाँ पर गाड़ी अंदर नहीं घुस पाती जंगलों में। एक प्रकार का जो स्पीसी है वो आपको एक जगह नहीं मिलता। कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटी भी उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसी कारण से कई सारे देश जहाँ पर ये फॉरेस्ट पाया जाता है वो जंगल को अब साफ करने लगे हैं, काटने लगे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को CO2 मतलब कम करने का, ऑक्सीजन पैदा करने का जिम्मेदारी केवल मेरा ही थोड़े है। तो ये प्रपोजल रखा गया है कि क्यों ना उन कंट्री को एक इंसेंटिव दिया जाए उन जंगलों को पालने पोसने के लिए, उन जंगलों को बनाए रखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर सब बात आपको मैंने पढ़ा दिया है। क्लाइमेट हॉट टाइप का होता है, वेट टाइप का होता है, एडवक्शन होता है और कन्वेक्शन रेनफॉल हमको डेली देखने को मिलता है। इस बात आपको मैंने रिवाइज करा रहा हूँ, बस कुछ अलग नहीं है, ठीक है? डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट को हम लोग पृथ्वी का लंग भी कहते हैं। यहाँ पर जंगल बहुत ही, जो पेड़ होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं, काफ़ी क्लोज क्लोज होते हैं, और पेड़ पूरा क्राउन बनाता है। डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों होती है, मैंने बताया आपको। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि
एवरग्रीन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर आपको कौन कौन सी प्रजाति का पेड़ देखने को मिलेगा? तो एबोनी, रोजवुड, महोगनी, रबर, ये सभी जो जाति के हैं ना वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अबोनी, रोजवुड, महोगनी, ये सब क्या हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो जंगल के जो लकड़ियां हैं वो हैं, ठीक है? ये सब बात आपको मैंने बता दिया है। जो एमेजोन रेन फॉरेस्ट है इसको क्लियर किया जा रहा है, काटा जा रहा है रबर प्लांटेशन के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए। इक्वाडोर में एक नेशनल पार्क है यासुनी, इसको भी साफ किया जा रहा है, ठीक है ना? वहां पर जो दो अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है, मतलब कि वैसे ट्राइब जिनसे अभी तक संपर्क नहीं किया जा पाया है, उन पर भी खतरा अब आएगा। इंडोनेशिया के जो रेन फॉरेस्ट हैं उसको साफ किया जा रहा है पाम कल्टीवेशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये बातें हो गई इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। एक बात और, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो रहने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ही गर्मी होती है, जो ह्यूमिड चिपचिपा मौसम होता है, मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, मच्छर बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। अच्छा, एक सवाल पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रिमिटिव टाइप हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर? तो पिग्मी, पिग्मी देखने को मिलता है कॉन्गो में, सेमांग मलेशिया में, ओरांग किकिता फिलीपींस में और डायाक्स बोर्नियो में। ये मेन प्रिमिटिव ट्राइब हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। अब सवाल करो, एक प्रीलिम्स 2013 में ये सवाल आया था, इनमें से क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का? ध्यान से सुनना। पहला, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्रॉन फॉर्मिंग कंटिन्यूअस कॉनपी, क्या बात सही है? दूसरा, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, क्या बात सही है? प्रेजेंस ऑफ वराइटी ऑफ एपिफाइट, क्या यहाँ पर एपिफाइट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। क्या पेड़ ऊंचे हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं, कैनोपी बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। तो 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पर सही है। क्या आंसर होना चाहिए जल्दी बताना ज़रा। मिल गया आंसर, 1, 2, 3, D आपका सही जवाब है। अब आती है बात ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की। ये जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है वो भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्दर्न टिप जो है ऑस्ट्रेलिया का ये वाला, यहाँ तक भी पाया जाता है। ब्राज़ील का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ गुयाना का जो कोस्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो कोस्ट है, वहाँ पर भी हमको ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब इनमें से मेन मेन जगह पर कौन है? मेन जगह है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये तीन इलाकों में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है? अगर आप इस जोन से बाहर निकलते हैं तो जो ट्रेड विंड है, ऑनशोर ट्रेड विंड, वो इस क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है? वो इस क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देता है और वो रेनफॉल को सालों भर करने के लिए विवश कर देता है, जैसे कि हम लोग देखने को मिलता है ट्रॉपिकल मैरी टाइम क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सालों भर होता है, मगर ये हमारे ट्रॉपिकल मानसून देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मानसून का इन्फ्लुएंस है। सर्दियाँ सूखी होती हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, ठंडी तो होती ही है। समर गर्म होगा मगर ड्राई होगा, ड्राई मतलब यहाँ बारिश नहीं होती। बारिश होती है रेनी सीजन में और बारिश ओरोग्राफिक टाइप का होता है। जो इक्विटोरियल था वहां पर रेनफॉल कैसा था? कन्वेक्शनल। क्या था? कन्वेक्शनल। यहां पर कैसी बारिश है? ओरोग्राफिक, वो पहाड़ वाली। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट था वहां पर किस तरह का फॉरेस्ट था? एवरग्रीन। यहां पर किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है? डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो साल भर में एक बार अपना पत्ते गिराते हैं, उसको हम लोग पतझड़ कहते हैं, उसको हम लोग ऑटम कहते हैं।
फॉरेस्ट आर जनरली लॉग्ड बट द वेजिटेशन डिफर विद द रेनफॉल। रेनफॉल के साथ साथ जो हमारा वनस्पति है वो बदल जाता है। अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं विट डिसीड्यूअस फॉरेस्ट, अगर रेनफॉल कम है तो उसको हम कहते हैं ड्राई डिसीड्यूअस फॉरेस्ट। बस समझ आ रही है? ठीक है, अभी बस देख रहा था कि बिजली है या नहीं, इन्वर्टर वगैरह देखना होता ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइस है, चावल है, वो उगाया जाता है, शुगर, जूट, कॉटन, इन सब की खेती होती है। कॉफ़ी ज़्यादातर ब्राज़ील में होता है। चाय को यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। और ध्यान सुनिएगा, चाय ज़्यादातर ढलानों पर उगाई जाती है। चाय जो वहाँ पर खेती होती है ना, वहाँ पर पानी का जमाव नहीं चाहिए होता। बारिश चाहिए, बारिश एकदम खूब चाहिए, मगर पानी का जमाव नहीं चाहिए। इसी कारण से ढलानों पर जो चाय की खेती होती है वो पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है रिवर्सल ऑफ विंड्स। रिवर्सल ऑफ विंड्स होता क्या है? ITCZ पहले यहाँ पर होता है, ठीक है ना, जनवरी में ITCZ नीचे होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है और जुलाई के महीने में वो यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, जो ITCZ है ना, ये लो प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो पहले सारा विंड इधर से यहाँ आ रहा होता है, इधर से यहाँ आ रहा होता है कन्वर्ज करने के लिए। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। चूंकि यहाँ पर आपका लो प्रेशर है, इसलिए सारा विंड ऊपर से भी नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर ये शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर, मतलब क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर और विंड ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा। जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, नीचे से पूरा जो मॉनसून विंड है, क्या है, नीचे से पूरा जो मॉनसून विंड है वो इस तरह से भारत की ओर आती हैं, इस लो प्रेशर को देखते हुए, इस लो प्रेशर के प्रभाव में खींचाते हुए। लो प्रेशर को और ताकत मिल जाता है जब यहाँ पर तिब्बत का पठार गर्म होता है। गर्मी के समय में वो और लो प्रेशर पैदा कर देता है, इंटेंसिफाई कर देता है। समझ गए? सोचो अगर ये ITCZ ऊपर की ओर नहीं जाता तो मॉनसून विंड यहीं पर रह जाता, ऊपर भारत की ओर नहीं आता, तो बारिश नहीं होती, समस्या की बात हो जाती है। तो ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गई बात साउथ वेस्ट मॉनसून की। बाद में ये जो ITCZ है वो घूम करके दोबारा नीचे की ओर आ जाता है, उसके बाद ऊपर से हवाएं नीचे की ओर आती हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, मतलब कि रिट्रीट ऑफ मॉनसून। क्या बोलते हैं उसको? रिट्रीट ऑफ मॉनसून कहते हैं उसको। ये वाला क्या है? ये वाला है अराइवल, अराइवल ऑफ मॉनसून। ये वाला क्या है? ये है रिट्रीट, रिट्रीट ऑफ मॉनसून। क्लियर बात? समझ आ रहा है बातें? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यही बातें बस बाएं तरफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है ना, लो प्रेशर, ITCZ, फलान ढेकान, यही बात आपको मैंने समझा दिया अच्छे से फोटो दिखा करके। चलो अगली बात, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये जो ITCZ है वो शिफ्ट करता है और किस तरह से जो हवाएं हैं वो शिफ्ट करती हैं। ठीक है, पहले जो रीजन नॉर्दर्न ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में था, वो बाद में साउदर्न ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ठीक है, पहले जो रीजन नॉर्दर्न वाला ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में था, वही रीजन अब साउदर्न वाले ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ये है नॉर्दर्न वाला ट्रेड विंड, ये है साउदर्न वाला ट्रेड विंड। ठीक है ना, जुलाई में साउदर्न वाला ट्रेड विंड प्रोमिनेंट हो जाता है इसी एरिया में, इसी भारतवर्ष में। ठीक है, चलो आगे की बातें क्या है? जंगल के बारे में,
यहाँ पर डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन देखने को मिलता है, जैसे कि गर्मी है, गर्मी में खूब गर्मी है, समर है, विंटर में ठंड है, खूब विंटर है। रेनफॉल होता है, रेनफॉल मतलब रेन सीजन के दिन में। वेट एंड ड्राई सीजन यहाँ पर अलग अलग होते हैं, 4 महीने तक बारिश होती है और इसी कारण से गर्मी का दिन में ड्राउट आता है और बारिश के दिनों में बारिश आती है, मतलब फ्लड आता है। ठीक है, ये सवाना की तरह ही है मगर सवाना से ज़्यादा वेट है, मतलब कि सवाना ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया, पेड़ पौधे उग गए, घास के मैदानों में बारिश इतने नहीं हो पाती कि वो पेड़ को सर्वाइव करा सके। ठीक है, इसी कारण से वहाँ पर पेड़ पौधे उतने ज़्यादा नहीं उग पाते। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपका ऑटम जो है मतलब पतझड़ का मौसम है, जहाँ पर जो पेड़ है उन्होंने अपने पत्ते गिरा दिए हैं। यहाँ पर जो मेन पेड़ होता है वो सील, टीक, ये सब, ये जो पेड़ होते हैं वो हार्डवुड होते हैं, मतलब कड़े लकड़ी होते हैं, इसीलिए इनसे कुछ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर जो सॉफ्टवुड होता है, कनाडा वाला, जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर वाला, उसमें कोई भी चीज़ बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसको काटना आसान है, उसमें ग्रूविंग करना आसान है, नक्काशी करना आसान है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट था वहाँ पर क्या क्या मिलता था पेड़, रोजवुड, महोगनी, ये सब ना। जो मानसून वाला है और क्या मिल रहा है, साल, टीक, ये सब मिल रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, जो पूरा मानसून का एरिया है वहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, मतलब कि छोटे से फार्म में खूब सारा, मतलब काफी डेंस फार्मिंग करी जाती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग भी यहाँ पर करी जाती है, मतलब फार्मिंग केवल खाने के लिए करा जा रहा है, कमर्शलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा पॉपुलेशन का, लैंड होल्डिंग छोटा है और यहाँ पर कैपिटा प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, पर एकड़ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है मगर पर कैपिटा मतलब एक आदमी के ऊपर उपज काफ़ी कम होती है। यहाँ पर हम लोग राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, इंडिगो और मसाले उगाते हैं। शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जूट वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, क्लियर है। कॉटन काली मिट्टी में होता है, राइस जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा चाहिए होती है, बारिश ज़्यादा चाहिए होता है इनको। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। एक बात और, ये जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ पर झूम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। झूम में क्या करते हैं, जंगल के एक हिस्से को जला दिया जाता है, वहां पर खेती करी जाती है। जब उस जमीन का उर्वरकता खत्म हो जाता है तो उस जमीन को छोड़ करके आगे बढ़ जाया जाता है, वहां का जंगल जलाया जाता है। ठीक है ना, वहां पर फिर दोबारा खेती करी जाती है। इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन। क्लियर बात है, ठीक है। अगला हमारा है ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट। जब मैं आपको मानसून क्लाइमेट पढ़ा रहा था अभी कुछ देर पहले, ट्रॉपिकल मानसून, तो मैंने क्या बताया था, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में जो बारिश होती है वो कंसंट्रेटेड होती है 4 महीने, वहाँ पर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। मगर ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट की एक खास बात क्या है कि यहाँ पर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सालों भर बारिश होती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है सर, ट्रॉपिक्स का जो ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे कि ये देखो, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, तो इन इलाकों में हमको ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट देखने को मिलता है। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आता है। क्या आता है, यहाँ पर हवाएं पूरब से आती हुई दिखाई देती हैं, ये ट्रेड विंड होता है, ट्रेड विंड होता है, यहाँ पर भी ट्रेड विंड आता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बात और ध्यान सुनिएगा, चूंकि यहाँ पर हवा चल रहा है समुद्र से जमीन की ओर, तो समुद्र का जो ह्यूमिडिटी है, इसका जो ह्यूमिडिटी है वो साथ में लेकर के आता है और यहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। क्या होता है, यहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, रेनफॉल आता है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
समझ के बात। जैसे कि फिलीपींस है, सेंट्रल अमेरिका है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट ब्राज़ील, ये सभी इलाके ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में आते हैं। ठीक है, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ईस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट ब्राज़ील। अब मैंने क्या बताया, रेनफॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों तरह से बारिश होती है, कन्वेक्शनल भी और ओरोग्राफिक भी। ठीक है ना, कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल हमको देखने को मिलता था इक्विटोरियल वाले में, याद है, इक्विटोरियल वाला क्लाइमेट में। ओरोग्राफिक मिलता था मानसून वाले में, है ना। मगर यहाँ पर हमको दोनों टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। ओरोग्राफिक, जहाँ पर मॉइस्ट ट्रेड विंड मिलता है, जो ऊंचे वाले जगह हैं वहाँ पर, मतलब जहाँ पर पठार वगैरह है, जैसे ईस्टर्न ब्राज़ील, वहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है दिन के समय में, गर्मी के मौसम में हीट ज़्यादा हुआ, हवा गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उठी और फिर बारिश हो गई। यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा समर के दिनों में होती है, गर्मी के दिनों में होती है, मगर कोई भी सीज़न ड्राई नहीं होता, सालों भर बारिश होती है, गर्मी के दिनों में भी और ठंड के दिनों में भी। ठंड में बारिश कम होती है, गर्मी दिनों में बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ पर ट्रेड विंड का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, मगर ये रहने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म ज़्यादा आता है, टाइफून से काफ़ी ज़्यादा ये ग्रस्त होता है। स्टॉर्म और टाइफून, इनसे ये काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त होता है, इसी कारण से यहाँ पर हैबिटेशन उतना ज़्यादा मतलब फेवरेबल नहीं है। अगला हमारा है डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट दो जगह पर मिलता है, एक होता है ट्रॉपिकल इलाके में, दूसरा होता है टेम्परेट इलाके में। मतलब कि एक होता है हॉट डिजर्ट, दूसरा होता है कोल्ड डिजर्ट। जैसे कि हमारा लद्दाख, लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट है, थार एक हॉट डिजर्ट है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, कहाँ कहाँ पर हमें हॉट डिजर्ट मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर हमको कोल्ड डिजर्ट मिलते हैं। तो ये आपका हॉट डिजर्ट है, ये हॉट डिजर्ट है, मोआबी डिजर्ट हॉट डिजर्ट है, अटकावा भी है, पेंटागोनिया कोल्ड डिजर्ट, ध्यान सुनिएगा, पेंटागोनिया कोल्ड डिजर्ट है। ठीक है ना, ऊपर में ये जो गोबी वगैरह है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये भी आपका हॉट डिजर्ट है। ठीक है, नीचे में कालाहारी हो गया, ये भी हॉट डिजर्ट है। ठीक है, जो कोल्ड डिजर्ट है वो ज़्यादातर ऊंचे स्थान पर पाया जाता है, कोई पठार है, कोई माउंटेन है, उधर पाया जाता है। क्लियर बात। अच्छा देखो, जो नीचे का एरिया है, मतलब कि जो एरिया इस तरफ पाया जाता है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर पाया जाता है, यहाँ पर कोल्ड करंट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? कोल्ड करंट पास हो रहा है। ये कोल्ड करंट इस मरुस्थल में डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है। डिसिकेटिंग इफेक्ट क्या होता है सर? डिसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर हवा में ह्यूमिडिटी काफी कम हो जाती है, हवा में जो आर्द्रता है वो काफी कम हो जाती है। चूंकि हवा में ह्यूमिडिटी ही नहीं है तो बारिश कैसे होगा? जब बारिश नहीं होगी तो वनस्पति नहीं उगेगी, पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये है डेजर्ट क्लाइमेट। हॉट डेजर्ट कहाँ मिलता है? जहाँ पर हमको ट्रेडविंड मिलता है ऑफशोर। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? जहाँ पर वेस्टर्लाई मिलता है ऑफशोर। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ज़्यादातर ऊंचे पठारों पर पाए जाते हैं, और जो मेजर हॉट डिजर्ट हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में मिलते हैं। मतलब कि कॉन्टिनेंट, जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसका पश्चिम भाग, खास करके 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। ठीक है, जैसे कि अटकामा है, अटकामा अभी मतलब सभी डिजर्ट में सबसे ड्राइएस्ट है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी सबसे कम पाई जाती है।
हॉट डिजर्ट ज्यादातर मिलता है हॉट लैटिट्यूड में, क्योंकि वहां पर एयर गिर रहा होता है। हॉट लैटिट्यूड में क्या होता है, यहां पर हवा सबसाइड कर रहा होता है ना, हवा यहाँ पर गिर रहा होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहा होता है, जो कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट, स्टेबल जो क्लाइमेट है वो क्रिएट करता है, ठीक है ना। हवा जब नीचे की ओर आती है, हाई प्रेशर बनता है, स्टेबल वेदर बनता है, बारिश नहीं होती, इसी कारण से वहाँ पर जो मरुस्थल है वो आगे डेवलप हुआ है। कोल्ड करंट के कारण डिसिकेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, आर्द्रता कम होती है वहाँ के जो मरुस्थल है वहाँ पर। रेनफॉल, रेनफॉल मेनली कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल होता है और उसमें थंडर स्टॉर्म होता है, कड़ाके के साथ बारिश होती है वहाँ पर, ठीक है। ये बातें हो गई। जो टेम्परेचर का एनुअल रेंज है वो ज़्यादा होता है कोल्ड डिजर्ट में हॉट डिजर्ट के मुकाबले। ये जो टेम्परेचर का जो एनुअल रेंज है ना, वो 2 डिग्री से कम होता था इक्वेटोरियल वाला क्लाइमेट में, याद है। क्लाइमेट जो हमारे इक्वेटोरियल क्लाइमेट था वहां पर एनुअल रेंज टेम्परेचर का 2 डिग्री से कम हुआ करता था। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं, झाड़ियाँ प्रमुखतः, इनकी जड़ें लंबी होती हैं, जो बीज होता है उनका स्किन मोटा होता है और ये मिट्टी में पड़ा रहता है जब तक कि बारिश ना हो जाए। जैसे ही बारिश होती है वो बीज अंकुरित होता है, ऊपर पौधे आते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से सॉल्ट ऊपर की ओर आता है, जो मिट्टी होती है वहाँ पर समस्या होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस काफ़ी कम होता है। ये जो एरिया होता है वहाँ पर मिनरल काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर सोना मिलता है, कालाहारी डिजर्ट में हीरा और कॉपर मिलता है, अटकामा डिजर्ट में कॉपर और नाइट्रेट पाया जाता है। तो इन सब जो हमारे मिनरल्स हैं उनका माइनिंग किया जाता है। अगला है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। क्या है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, कहाँ कहाँ मिलता है? ये 30 से 45 लेटीट्यूड के बीच में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये पाया जाता है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर, ठीक है ना। चूंकि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर पाया जाता है, इसीलिए वहां पर बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती। यहां पर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होने के कारण ये पैदा होता है। प्रेशर बेल्ट देखा था ना, आईटी सीजर कैसे शिफ्ट कर रहा था ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ये समर के दिनों में ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में होता है और ठंडे के दिनों में वेस्टर लाइक इन्फ्लुएंस में होता है, समझ गए। चूंकि ट्रेड विंड कॉन्टिनेंट से होकर के आ रही होती है, इसीलिए वो ड्राई होता है। मैंने क्या बताया, अगर कोई देखो यहां पर कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन अगर ट्रेड विंड आएगा तो इधर से आएगा, जमीन से होते हुए आएगा, तो ये ड्राई होगा ना बाबू। वहीं पे अगर वेस्टरलाई आ रहा होता तो ये समुद्र से होके आ रहा होता, ह्यूमिड होता और वेट होता, ये हवाएं बारिश लेकर के आता, समझ गए। दिमाग जरा भी नहीं लगाना है, बस ध्यान से सोचना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। हाँ, जब आप जमीन के भीतर और अंदर चलते जाएंगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिनेंटालिटी का इफेक्ट पाया जाता है। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब ये होता है कि जो समुद्र का इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया है और टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया है। टेम्परेचर एक्सट्रीम मतलब क्या, गर्मी में खूब गर्मी, ठंड में खूब ठंड। रेनफॉल यहाँ पर साइक्लोनिक टाइप का होता है, जो कि वेस्टरलाई के जरिए लाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से लोकल विंड होते हैं। सिरोको, मिस्त्राल और बोरा, ये 3 लोकल विंड पाए जाते हैं। सिरोको साउथ वेस्टरलाई है, ये चलता है सहारा डेजर्ट से। चूंकि ये मरुस्थल से चलता है इसलिए ये काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी ड्राई होता है। मेडिटेरेनियन सी से गुजरने के बाद भी ये लोकल विंड ड्राई ही रहता है, समझ गए, इतना ज़्यादा ड्राई है। और ये क्रॉप के लिए बहुत ही बेकार होता है, क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता। मिस्त्राल खूब
कोल्ड विंड है, ध्यान सुनिएगा, सिरोको हॉट है, मिस्त्राल कोल्ड विंड है, बोरा भी कोल्ड विंड है, याद रखिएगा। मिस्त्राल चलता है आल्प रीजन से, बोरा भी कोल्ड विंड है जो चलता है कॉन्टिनेंट से समुद्र की तरफ, ठीक है ना, वो काफी तेज गति से चलता है बोरा, ठीक है। अब यहाँ पर पाई जाती है कि कौन सा वेजिटेशन मिलता है, ज़्यादातर सिट्रिक फ्रूट मिलता है मेडिटेरेनियन वाले रीजन में ही, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर कॉनिफेरस मिल जाता है, मेडिटेरेनियन शर्ब मिल जाता है। मगर ओवरऑल देखें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा मेडिटेरेनियन शर्ब झाड़ियाँ ही मिलती हैं, ऑर्चर्ड फार्मिंग देखने मिलती है यहाँ पे। क्यों कर पाते हैं ये ऑर्चर्ड फार्मिंग, ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, तो ड्राई रीजन में भी, ड्राई एरिया में भी, ड्राई सीजन में भी ये मिट्टी के भीतर से नमी खींच लेती हैं और सर्वाइव कर जाती हैं। यहाँ पर जो फल का चमड़ा होता है वह बहुत ही मोटा होता है, लेदरी होता है, जो ट्रांसपिरेशन को रोकता है, जिससे जो लॉस होता है पानी का वो बहुत ही कम हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हमको मिलता है यूकेलिप्टस, जो कॉमन है यूरोप में वो है कॉर्क ओक ट्रीज। क्लियर हो गई बातें। अगला है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल, मतलब कि क्या कॉन्टिनेंट के बीच में होगा, कॉन्टिनेंट के भीतर होगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है कॉन्टिनेंट भीतर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये डिजर्ट को बॉर्डर करते हैं, इनके अगल बगल डिजर्ट, जैसे कि यहाँ पर कालाहारी के बगल में है, ये आपका पैंटागोनिया के बगल, सॉरी जो अटकामा है उसके बगल में है ना। तो ध्यान सुनिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये ओशियन के नज़दीक पाया जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये कॉन्टिनेंट के बीच में मिलता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये ओशियन के नज़दीक पाया जाता है, ठीक है। ये नहीं, ये तो मिडिल हो गया, उसके बीच में पाया जाता है, वो वेस्टर्ली बेल्ट में पाया जाता है और उस पर मेरिटाइम का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये बातें हैं कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड क्लाइमेट की, चूंकि ये टेम्परेट रीजन में है, बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर ग्रासलैंड बनता है। टेम्परेट ग्रासलैंड का जो घास होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस, ज़्यादा सॉफ्ट होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के मुकाबले, ठीक है। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ज़्यादा हो गया तो जंगल ही बन जाएगा। सबसे ज़्यादा बारिश समर में होता है, गर्मी के दिनों में होता है। प्रेसिपिटेशन साउदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होता है क्योंकि वो समुद्र के ज़्यादा नज़दीक है। मैंने क्या बताया था, वेस्टर्न जो हमारा नीचे का, जो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर ये ग्रासलैंड समुद्र के नज़दीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये ग्रासलैंड कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाता है। चूँकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ओशियन के नज़दीक है तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये घास सर्दी के दिनों में डोरमेंट रहते हैं, एक्टिव नहीं होते, जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही स्प्रिंग आता है, ये घास एक्टिव हो जाते हैं, टेम्परेचर उसमें उतना ज़्यादा नहीं होता, गर्मी के दिन में पूरा वो झुलस जाता है और उसका बीज नीचे दबा हुआ रहता है, जैसे ही बारिश हुई वो फिर से अंकुरित हो जाता है। चिनूक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये रॉकी से होकर के आता है और ये हॉट विंड है, साउथ वेस्टर्ली विंड है, ये अचानक से ये टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे सकता है। इसको हम लोग स्नो ईटर भी कहते हैं क्योंकि इसके आते ही बर्फ़ पिघलने लगते हैं, चारों तरफ तबाही मचने लगती है, बर्फ़ पिघल जाता है इसके आने, चिनूक के आने से, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई चिनूक के बारे में। अगला है चाइना क्लाइमेट, चाइना क्लाइमेट मिलता है हमको देखने के लिए जो नॉर्दर्न अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, साउथ अमेरिका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर, और चाइना तो खैर नाम ही यहाँ पर है जिसका नाम है चाइना टाइप क्लाइमेट। कहाँ कहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ईस्ट और सेंट्रल चाइना, इसको हम कहते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। जो गल्फ था नॉर्थ अमेरिका वाला, गल्फ ये गल्फ स्ट्रीम वाला, ये मिलता है आपको साउथ ईस्ट यूएसए में। नटाल टाइप का मिलता है देखने के लिए हमें साउदर्न हेमिस्फेयर में, कहाँ पर,
जो नीचे का है वहां पर मिलता है हमको नताल टाइप का देखने के लिए, नताल। ये है चाइना टाइप क्लाइमेट, ये है गल्फ, गल्फ टाइप क्लाइमेट। समझ गए? है वार्म ही, ये तीनों के तीनों क्लाइमेट हैं वार्म ही, मगर इसका बस नाम अलग अलग रखा गया है क्योंकि जगह अलग अलग है। चाइना है तो चाइना टाइप, नीचे नताल टाइप, ऊपर में गल्फ है तो गल्फ टाइप। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है बाजू में, ये वाला क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, इसमें जो रेनफॉल होती है वो भूमध्य सागर का जो क्लाइमेट है उनसे ज्यादा रेनफॉल पाया जाता है, और ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है। क्या रहता है? ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से ज्यादा बारिश होती है, ईस्टर्न मार्जिन को ज्यादा बारिश मिलती है क्योंकि ट्रेड विंड इधर से आएगा ना, ट्रेड विंड, तो जो ईस्टर्न मार्जिन है उसको बारिश ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। कुछ रीजन में जंगल मिलते हैं एवरग्रीन, कहीं कहीं पर जंगल मिलते हैं पर्णपाती डिसिड्यूअस। कौन कौन से मेन क्रॉप हैं? राइस, मेज, कॉटन, टोबैको, ये सब मेन जो वहां पर क्रॉप है वो पाए जाते हैं। कपास को, कॉटन को कम से कम 200 दिन का फ्रॉस्ट फ्री, मतलब वहां पर कोई फ्रॉस्ट न लगे और मॉडरेट रेनफॉल होती रहे, ऐसा जो क्लाइमेट है वो चाहिए होता है। तंबाकू को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए, और वो सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब वहां पर ज्यादा पानी न जमा रह जाए, मतलब कि उसकी तरह चाय की तरह। अगला है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। कौन सा टाइमेट क्लाइमेट? ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। यहाँ पर ये रहने के लिए बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट है, मतलब इंसानों के रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेट है। ये वेस्टर लाइक इन्फ्लुएंस में रहता है। क्या है? ये वेस्टर लाइक इन्फ्लुएंस में रहता है, और जहाँ जहाँ पर रॉकी है, जहाँ जहाँ पर एंडीज है, वो वेस्टर लाइक के इन्फ्लुएंस को रोक देता है। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से आ रहा है वेस्टर लाइक तो यहाँ पर माउंटेन ने इसको रोक दिया, यहाँ पर ये आ रहा है तो यहाँ पर इसको रोक दिया, हवाओं को रोक दिया और मॉडरेट कर दिया क्लाइमेट। मनुष्य के रहने के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट है। गर्मियाँ उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, सर्दियाँ उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, रेनफॉल सालों भर होती है। ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट में भी साल भर होता था बारिश, है ना? जो आपका ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट था यहाँ पर भी साल भर होती थी बारिश, और ब्रिटिश क्लाइमेट में भी साल भर होती है बारिश। जंगल यहाँ पर होते हैं डिसिड्यूअस पर्णपाती, जो कि अपनी पत्तियाँ पतझड़ के मौसम में गिरा देती हैं। अगला है टैगा। टैगा आपको पता है कि कोल्ड रीजन में होगा, कहाँ पर होगा? ये जो कोल्ड रीजन है रशिया का सबसे ऊपर का, और यूरोप का जो नॉर्दर्न यूरोप पार्ट है वहाँ पर, और जो कनाडा वाला पार्ट है ना वहाँ पर हमको कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल या फिर टैगा क्लाइमेट देखने को मिलता है। टैगा एक रशियन नाम है, रूसी नाम है ये वाला। अच्छा, एक तो हो गया कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, दूसरा है कूल टेम्परेट ईस्टर्न क्लाइमेट। इसके नाम में ईस्टर्न लगा है तो जो एरिया होगा वो भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में होगा, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में होगा। कहाँ कहाँ पर? इस पर कॉन्टिनेंटल और मेरीटाइम दोनों का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। क्या होता है? इस पर कॉन्टिनेंटल और मेरीटाइम दोनों का गुण पाया जाता है। यहाँ पर विंटर ठंड तो होती ही है, वहाँ पर बारिश नहीं होती। गर्मी के दिनों में गर्मी तो होती है मगर वहाँ पर बारिश हो जाती है, बारिश गर्मी में होती है। कब होती है? बारिश गर्मी में होती है। क्लियर बात? भूलोगे नहीं। यहां पर जो कोल्ड कॉन्टिनेंटल विंड्स हैं वो पाए जाते हैं, इसी कारण से गर्मी उतनी ज्यादा गर्म नहीं हो पाती, मॉडरेट हो जाता है यहां पर। गल्फ स्ट्रीम और ओएशियो, ये हॉट ओशियन करेंट हैं, ये हॉट ओशियन करेंट हैं जो इस एरिया को गर्म रखते हैं सर्दी के दिनों में। क्या रखते हैं? वो इस एरिया को गर्म रखते हैं सर्दी के दिनों में। तो यहां पर आपने सारा का सारा जो क्लाइमेटिक टाइप है वो पढ़ लिया। ठीक है, सभी तरह का क्लाइमेटिक टाइप आपको मैंने पढ़ा दिया है, आपको बस अब रिवाइज करना है, आपको बस अब सवाल करना है। करेंगे क्या? जो भी कोचिंग का मॉक टेस्ट मिल जाए आपको, उस मॉक टेस्ट को उठाइए, ज्योग्राफी का मेन,
इसको सॉल्व कीजिए। 100 क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना आप, तो आपके 100 टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। और जो कोचिंग वाले हैं वो क्वेश्चन इस तरह के डालते हैं टेस्ट सीरीज में जिनके आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों सर? क्योंकि कोचिंग वाले क्या चाहते हैं, टेस्ट सीरीज खूब बिके। टेस्ट सीरीज कब बिकेगी? जब टेस्ट सीरीज से सवाल आएंगे प्रीलिम्स में। अब जो सवाल है वो लाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, अभी तो समय मिल गया है ना, अभी तो समय मिल गया है टेस्ट सॉल्व करने का, इसको गवाना नहीं है। ये नहीं कि अभी तो समय बहुत ज़्यादा है, हम करेंगे ना सॉल्व आराम से, ये मूर्खता नहीं करनी है। अभी से करते जाओ, बाद में लोड नहीं पड़ेगा, बाद में तुमको रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, तो मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाइए। और ये बात केवल ज्योग्राफी के लिए लागू नहीं होती, ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, खास करके आर्ट एंड कल्चर, करंट का जो सारा का सारा इशू है वो कवर हो जाएगा आपके मॉक टेस्ट से। वो लोग पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका रिवाइज करवा देंगे मॉक टेस्ट के जरिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लगा खराब तो उसको डिसलाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।